ये है आज का आसमान, ये है आज से 20 साल पहले का आसमान जो हमें दिखा करता था, और ये है 2050 का आसमान। हाँ, मुझे पता है आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आसमान लगातार ब्राइट कैसे होता जा रहा है और हमारे आसमान से तारे गायब कैसे हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का रीजन है लाइट पॉल्यूशन। रुक जाओ, वीडियो स्किप करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इस लाइट पॉल्यूशन की वजह से आपको कैंसर तक हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में लाइट पॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है 1994 की। एक बहुत ही खतरनाक भूकंप की वजह से पूरे लॉस एंजलिस की लाइट चली गई। लाइन जाने की वजह से पूरा लॉस एंजलिस अंधेरे में धुंध था, और तभी वहां रहने वाले लोगों ने एक नज़ारा देखा आसमान में। उन्होंने देखे कुछ नए तारे, कुछ नए प्लैनेट्स और द मैजिकल आर्म्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ, मुझे भी पता है इतना साफ आसमान देखना आज के टाइम पर एक सौभाग्य वाली बात है, लेकिन उस टाइम भी लॉस एंजलिस के लोग डर गए। उन्हें लगा कि हमारी धरती पर एलियंस आ गए हैं। उन्होंने तुरंत ही 911 पर कॉल करना शुरू कर दिया। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाकर सोच सकते हैं कि अगर तब लोगों के ऐसे हाल थे कि उन्होंने कभी आसमान को इतना साफ देखा ही नहीं था, तब अगर ऐसा कहा जाए कि आज की जनरेशन को ये पता ही नहीं होगा कि साफ आसमान कैसा दिखता है, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें लाइट पॉल्यूशन की वजह से कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? केवल हम वो जो बल्ब जलाते हैं उसकी वजह से नेचर को इतना हार्म कैसे हो सकता है? तो आइए इसीलिए ठीक से लाइट पॉल्यूशन को समझते हैं। फ्रेंड्स, लाइट पॉल्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना है कुछ लाइंस में, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, लाइट पॉल्यूशन इज अ यूज ऑफ एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट एंड अनवांटेड आर्टिफिशियल लाइट। यानी जो आर्टिफिशियल लाइट्स हम रात के समय पर यूज करते हैं, वो नेचुरल डार्कनेस को खत्म करती हैं। ये एक्सेसिव लाइट्स नेचुरल डार्कनेस को कम कर आर्टिफिशियल ब्राइटनेस को बढ़ाती हैं, और इसी की वजह से लाइट पॉल्यूशन बढ़ता है। हाँ, भले ही ये आपको बहुत ही छोटी सी चीज लग रही हो, लेकिन इससे मचने वाली तबाही को सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, जब लाइट का आविष्कार हुआ था तब इसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, और शायद इसी की वजह से आज हम थॉमस अलेक्जेंडर और निकोला टेस्ला जैसे लोगों का नाम याद रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर लोगों ने इस चीज को इस तरह से अपनाया कि आज यही हमारे लिए खतरा बन चुका है, और अगर हमने इस दर को घटाया नहीं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको आसमान कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये जो मिल्की वे, स्टार्स, प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स, चंद्रमा, टूटते तारे, ये सभी चीज़ें केवल दादी और नानी की कहानियों में सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, इट इज़ अ शॉकिंग रियलिटी कि अगर इसी तरह से लाइट पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम अपने चांद तक को नहीं देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, इसी लाइट पॉल्यूशन की वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम्स और कैंसर तक हो सकता है। देखिए, दरअसल हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन बनता है वो सिर्फ अंधेरे में ही बनता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट पॉल्यूशन है, तो मेलाटोनिन बनने का एनवायरनमेंट ही वहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इंसानों को कैंसर हो सकता है। लेकिन आपका एनवायरनमेंट लाइट पॉल्यूटेड है या फिर नहीं, ये आपको अच्छी तरीके से पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोटल स्केल का। दरअसल इस स्केल में अलग अलग स्काई को अलग अलग रेटिंग दी जाती है, जिसमें से रेटिंग 1 सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन होती है और रेटिंग 8-9 सबसे ज्यादा बेकार। तो इस स्केल के मुताबिक अगर आप एक टाइम पर अपनी स्काई में देखकर 4 से 5 हज़ार तारों को देख पा रहे हो, तब तो आपकी स्काई 1 रेटिंग में आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपना सर उठाया और आपको 2-4 तारे ही दिख रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका जो स्काई है वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो देखिए, अगर हम इंडिया का लाइट पोल्यूशन मैप देखें तो इसमें जो हाईलाइटेड जगह है वहाँ पर लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जो बहुत कम हाईलाइटेड जगह है वहाँ पर लाइट पोल्यूशन नहीं है, जैसे कि लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान। तो अगर आप ऐसी जगहों पर रह रहे हैं तो आपका आसमान बहुत ही क्लियर होगा, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पॉज कर इस मैप को ध्यान से देख भी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देखना चाहते तो आइए बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं कुछ और नुकसान इस लाइट पोल्यूशन के। देखिए, जो जानवर होते हैं उनका नेचुरल बायो क्लॉक तो डे और नाइट को ही देखकर चलता है, लेकिन अगर हम इसी तरह से लाइट पोल्यूशन बढ़ाते चले गए तो एक टाइम पर जानवरों को ये पता ही नहीं चलेगा कि रात हो गई है और अब हमें रात वाले काम करने चाहिए। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो टर्टल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक बार में ही पैदा होते हैं, और उन्हें रात के टाइम पर शिकारियों से बचकर समुद्र में जाना होता है। लेकिन अगर लाइट पोल्यूशन ऐसे ही पड़ता रहा तो दो कंडीशंस पनप जाएंगी, या तो वो शिकारियों की चपेट में आ जाएंगे या फिर उन्हें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि रात हो चुकी है और अब उन्हें समुद्र में जाना चाहिए। और इसी लाइट पोल्यूशन की वजह से माइग्रेट करने वाली बर्ड्स भी अपना रास्ता भटक जाते हैं, और इसीलिए आज के टाइम पर 100 बिलियन कीड़े सिर्फ इस लाइट पोल्यूशन की वजह से मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने बेसिक साइंस भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ डिस्पर्जल ऑफ सीड में भी इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो एट द एंड हमारी धरती का पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर इसी तरह से लाइट पोल्यूशन बढ़ता रहा तो, इसीलिए हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। तो अगर आपको टेम्पररी सॉल्यूशंस चाहिए तो सजेस्ट की गई इन जगहों पर रह सकते हैं, और अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो जितनी लाइट्स आपको ज़रूरत है उतनी ही जलाइए। हर दिन लाइट्स को जलाकर जश्न मत मनाइए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें और हमारी धरती को 1% बेहतर बना सकें। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, लेकिन आज रात में ये चेक कर मुझे कल सुबह कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके आसमान में कितने तारे दिखाई देते हैं एक टाइम पर।